बात करें, इनालो कुंबे की बात करें, तो एक से डेढ़ महीने से घमासान मचा हुआ है। उसी कड़ी में जो जितने भी हरियाणा के जिले हैं, प्रत्येक जिले में से कहीं ना कहीं जो बगावत के सुर है वो उठ रहे हैं। और इनालो की इकाई की, कैथल इकाई की हम बात करें, तो तमाम जो इकाई है लगभग 90% जो धड़ा है वो दुष्यंत के समर्थन में आ चुका है। उसी कड़ी में हम बात करते हैं, एक्स प्रेसिडेंट है जाट संस्था के बलवान कोटरा जी, और सामाजिक क्षेत्र में काफी इनकी भूमिका रही है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप भी अभय को छोड़ चुके हैं, दुष्यंत की तरफ जा चुके हैं, क्यों ऐसा फैसला लिया आपने? मैंने जो लोगों की भावनाओं और युवा शक्ति की भावनाओं को पढ़ा, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ। मैंने आज देखा, जैसे जिस प्रकार कल 26 तारीख का कैथल इकाई का जो भी पदाधिकारी थे और जो प्राथमिक सदस्य थे उनका अपने पदों से इस्तीफा देने का प्रोग्राम था, उसमें सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों ने, जैसा कि आज ने अखबारों में भी पढ़ा होगा, तो वहां पहुंचे, जबकि कोई वहां कोई इतना बड़ा कोई काल नहीं थी। एक वहां जीन में ही 26 तारीख का प्रोग्राम दिया था, उसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए और चारों तरफ आज युवा वर्ग में और हर 36 बिरादरी में दुष्यंत दुष्यंत ही पुकारा जा रहा है। भगवान जी, ये जो फैसला लिया जा रहा है आप लोगों का, दुष्यंत के समर्थन में आप लोग आ रहे हैं, ये इसके लिए कहीं से ऊपर से आप लोगों के ऊपर प्रेशर है या खुद की स्वेच्छा से आप निर्णय ले रहे हैं? आपने क्या एनालाइज किया, किस प्रकार का पैरामीटर क्या है आपके दुष्यंत के साथ होने के? किसी प्रकार का किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारियों पर कोई प्रेशर नहीं है, अपनी स्वेच्छा से अपने अपने मन से लोगों के अंदर एक आज दुष्यंत का चेहरा जो देवीलाल के रूप में लोग देख रहे हैं, और युवा शक्ति तो खासकर वो दूसरा देवीलाल दुष्यंत के रूप में देख रहे हैं, और इस करके हर आदमी की ये एक तमन्ना बन गई है कि अपना आप ही लोग दुष्यंत से दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। अभय खेमे की यदि हम बात करें तो बार बार ये आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, चाहे दिग्विजय चौटाला की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, अजय चौटाला की बात करें, हालांकि शब्दों के बाण भी चले, इधर से दुर्योधन तक करार दिया गया अभय चौटाला को, तो जो आरोप अभय खेमे की तरफ से लगे हैं उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो रैली गुहाना में हुई थी उसके बाद जिस तरह से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को पार्टी की प्राथमिकता और सभी पदों से हटाया गया, ये एक जो चंद जयचंद थे पार्टी के अंदर जो पिछले साल डेढ़ साल से इस कार्य पे लगे हुए थे और वो अपने जो उन्होंने मंसूबे पाल रखे थे वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए और पार्टी को वो तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो लोगों के दिल से दुष्यंत को नहीं निकाल सकते। ऐसे में कुछ चेहरे कुछ नाम निकल करके आए, चाहे प्रवीण अत्री की बात करें, आर एस चौधरी की बात करें, रामपाल माजरा की बात करें, क्योंकि दिग्विजय चौटाला बार बार नाम लेते हैं, कुछ लोगों ने परिवार में फूट डालने के षड्यंत्र रचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं इनमें कितना दम आप मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखना भाई साहब, ये लगभग सभी अखबारों में भी आ चुके हैं और आपके दिल में भी हैं, और अब तो ये बिल्कुल एक तरफ निकल चुके हैं ये नाम, मेरे आप मेरे मुंह से ये बात मत कहलाओ, आप भली भांति सभी लोग जानते हैं कि वो चेहरे कौन है। तो कुछ चीजें, क्योंकि कई बार जानकारों की माने तो कुछ ऐसी बातें भी निकल के आती है, कैथल के लोगों की भी बातें हैं, अब तमाम जो राजनीतिक दल है कुछ ऐसी भी बातें आती है, जो रामपाल माजरा है कहीं ना कहीं वो अंदर खाते रणदीप सुरजेवाला के लिए काम करते हैं, इस तरह के जो बातें सुनने में आती हैं, उन बातों में कितना आप आधार उनका समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, धुआं वहीं आता है, धुआं वहीं से निकलता है जब आग जलती है, जब कुछ सच्चाई होगी तभी लोग कह रहे हैं, बगैर सच्चाई तो कुछ बात लोग कहते नहीं। और ये तो आज जो अनपढ़ जो किसान तबके के अनपढ़ लोग है जो बुगियों में बैठते हैं उनसे भी आप पूछोगे तो वो भी इस बात के बारे में आपको सारी विस्तार से बता देंगे। तो आपको लगता है मंसूबे रचे गए, षड्यंत्र रचे गए, क्या उन षड्यंत्र में कामयाबी कहाँ तक मानते हैं आप? जिस प्रकार आपने कहा उन आरोपों जो जो साजिशें रची गई हैं उनमें कहाँ तक कामयाबी मिलने की संभावना है, जिनको आपने जयचंद कहा है? जो जिस तरह अभय सिंह चौटाला ने पेड़ कांग्रेसी कहा है, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो 30-30, 40-40 साल से चौधरी देवीलाल के समय से कार्य करता है उनको पेड़ कांग्रेसी कहा गया। अरे पेड़ कांग्रेसी का तो आपको पता है, जो इस पार्टी में सिर्फ वही पेड़ कांग्रेसी ही बचेंगे, असली लोकदल तो सारा दुष्यंत के साथ चला गया है
और थोड़ा बहुत जो रहा वो जो 9 तारीख की जींद में महासम्मेलन महारैली होगी उसके बाद देखना, इनके पास तो गिने चुने ही लोग, जो 10-15 लोग हैं जो असली पेड़ कांग्रेसी है वही बचेंगे अभय सिंह के पास। चलिए यहाँ पर आप साफ तौर पर सुन सकते हैं जो बलवान कोटड़ा है पूर्व इनेलो नेता अभी हो गए क्योंकि इन्होंने इनेलो का दामन छोड़ दिया है। दुष्यंत खेमे भी ये चले गए, इनका मानना है जो देवीलाल की प्रतिमूर्ति इनको दुष्यंत चौटाला को माना जा रहा है। काफी सारे आरोप प्रत्यारोप यहाँ से लगाए गए, जयचंद कहा गया और कहीं ना कहीं जो दिग्विजय चौटाला के द्वारा जो नाम आए थे उछल करके जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा पार्टी को तोड़ने का, उन्हीं लोगों का नाम बलवान कोटड़ा ने भी कहा है। खासकर कैथल से हम बात करें तो रामपाल माजरा जिस प्रकार इन्होंने कहा ये स्वयं कांग्रेस पार्टी के पेड एजेंट हैं जिनकी मंसूबे सफल नहीं होंगे। जो 9 दिसंबर को रैली होगी ऐतिहासिक होगी, उस महारैली के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। अब इन बातों में दम कितना, इनके दावों में दम कितना, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। कैथल से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।